नमस्ते एंड वेलकम टू रिद्धिमास किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ लेमन राइस। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और आप इसे लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट माई वीडियोस। लेमन राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। अब हम इसमें 1/4 कप मूंगफली डाल देंगे। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे 7-8 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। फ्लेम लो रखेंगे। मूंगफली अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मूंगफली भूनते हुए जो तेल बच गया है, अब हम इसी में 1 टीस्पून सरसों के दाने डाल देंगे। जब सरसों भून जाएगी तब हम इसमें 1 टेबलस्पून चना दाल और उड़द दाल डाल देंगे। इसे लो फ्लेम पर ही हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च को स्लिट करके डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च की जगह आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। साथ ही इसमें करी लीव्स डाल देंगे। इसे हल्का सा भूनने के बाद 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और साथ ही अब हम इसमें भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे जो हमने बाउल में निकाल के रखी थी। 2-3 कप उबले हुए चावल डाल देंगे। आप इसे लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैंने बॉइलिंग के टाइम पे भी राइस में नमक डाला है, इसलिए मैं नमक कम ही डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल आखिर में इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप उबले हुए चावल के लिए 1 नींबू का रस डाला है। अगर आप ज्यादा चावल यूज कर रहे हैं तो नींबू का रस ज्यादा डाल लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस बिल्कुल आखिर में ही डालें। अगर आप इसे पहले डाल देंगे तो राइस का टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढका रहने देंगे। इसे ढक के रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। राइस का बहुत ही अच्छा कलर आ गया और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। लेमन राइस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।